अब नेक्स्ट सिस्टम जो हमें पढ़ना है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होती हैं, उन मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनका हमारे ब्लड से निकलना ज़रूरी होता है। अगर ये बॉडी में रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, तो इनका बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। तो बॉडी से इन वेस्ट मटेरियल का निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब इस एक्सक्रीशन को जिन ऑर्गन के थ्रू किया जाता है, उन ऑर्गन का एक जो कलेक्शन सिस्टम बनता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इन जनरल हमारी बॉडी में तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत सारे और भी हैं, जैसे स्किन होता है, स्किन के ज़रिए स्वेट ग्लैंड होती हैं, लंग्स से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकलती है, और इस तरह से बहुत से अदर ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। लेकिन मेन जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसके अंदर पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे चीज़ें आती हैं। किडनी पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, मतलब दोनों किडनीज पोस्टेरली प्रेजेंट होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ T12 से L3 तक एक्सटेंशन होता है इनका, यानी T12 वर्टिब्री से लेकर के L3 वर्टिब्री तक इनका जो है वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और राइट किडनी थोड़ा सा लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है, इसकी वजह से राइट किडनी का जो है लोकेशन थोड़ा सा लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी। किडनी के चारों तरफ कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सबसे आउटर जो है स्ट्रक्चर है ये सबसे अंदर जो है ये किडनी है। किडनी के चारों तरफ किडनी घेरे हुए जो स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइब्रस स्ट्रक्चर है, इसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद किडनी को चारों तरफ से सराउंड किए हुए जो स्ट्रक्चर जो पार्ट है वो है रीनल फैट, यानी पेरी रीनल फैट, यानी कि फैट का कलेक्शन इसके चारों तरफ होता है, इसको कहते हैं पेरी रीनल फैट, यानी कि फैट का स्टोरेज होता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आउटर जो स्ट्रक्चर है वो है रीनल फेशिया, जो चारों तरफ से किडनी को सराउंड की रहती है, ये रीनल फेशिया है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो है पैरा रीनल फैट। ये सिर्फ पोस्टेरियो लेटरली प्रेजेंट होता है, यानी पैरा रीनल फैट जो है वो सिर्फ पोस्टेरियो लेटरली प्रेजेंट होता है, और किडनी के चारों तरफ कोई पेरिटोनियम नहीं नज़र आ रही है, इससे ये पता चल रहा है किडनी के पोस्टेरियो कोई पेरिटोनियम नहीं होती है, इस वजह से किडनी जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है किडनी, क्योंकि इसके चारों तरफ, इसके आगे पेरिटोनियम तो होती है लेकिन पीछे पेरिटोनियम नहीं पाई जाती है, इस वजह से इसे हम रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो किडनी, अगर हम इंटरनली इसका स्ट्रक्चर देखें तो आउटर मोस्ट रीनल कैप्सूल होता है, उसके बाद इंटरनली किडनी दो पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर कॉर्टेक्स और इंटरनली मेडुला। कॉर्टेक्स मेडुला में इंटर होकर के कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर्स में बटा होता है, इनका नंबर 10 से लेकर 12 तक होता है। इन पिरामिडल स्ट्रक्चर को रीनल पिरामिड्स कहते हैं, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हैं, इन पिरामिडल स्ट्रक्चर को हम रीनल पिरामिड कहते हैं,
इनका जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, जो नुकीला पार्ट होता है, जिस ये इसको हम रीनल पैपिला कहते हैं। ये रीनल पैपिला जिसमें जिसके साथ जुड़े होते हैं, जिसमें ओपन होते हैं, उनको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, उनको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ करके ये बनाते हैं मेजर कैलिक्स। ये क्या है, ये इससे निकला माइनर कैलिक्स, ये 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 माइनर कैलिक्स ने जोड़ के बनाया मेजर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स ने मिलकर बनाया मेजर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स हैं इन्होंने जोड़ के बनाया मेजर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स जो हैं वे मिल करके बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिसेस जो होते हैं वो सब जुड़ करके एक चौड़ा एक स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं पेल्विस। ये पेल्विस ही जो है वो किडनी से बाहर निकलता है। किस पोजीशन से बाहर निकलता है? किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप होता है, बीन शेप होता है, तो आउटर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, यानी लेटरली कॉन्वेक्स होता है और मेजरली कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट पे राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम हाइलम कहते हैं। हाइलम वो स्ट्रक्चर होता है जिस जगह से किडनी के अंदर जाने वाले और बाहर निकलने वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो आर्टरी भी हो सकती हैं, आर्टरी, वेन, नर्व्स, और इसके साथ ये जो पेल्विस है ये भी उसी हाइलम वाले पार्ट से किडनी से बाहर निकलता है, और निकल करके ये एक नैरो ट्यूब में कंटिन्यू हो जाता है। इस नैरो ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं, इस नैरो ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं, फिर यूरेटर जा करके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाती है। तो ये है किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया, रीनल कैप्सूल दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स मेडुला को छोटे छोटे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स में बांटती है, इन पिरामिड को रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इनका जिस यानी एपेक्स वाला जो पार्ट होता है उसको रीनल पैपिला कहते हैं। ये रीनल पैपिला जो है वो कंटिन्यू होते हैं माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स मिलकर के बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स मिलकर के पेल्विस बनाते हैं। पेल्विस हाइलम से बाहर निकलता है और एक जो है नैरो ट्यूब में कंटिन्यू हो जाता है, इस ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं। यह है किडनी का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इन किडनी इसके अंदर हर जो है पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम फिर आगे बताते हैं। ये हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है किडनी का एनाटॉमिकल रिलेशन, यानी किडनी के चारों तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट किडनी में आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट किडनी की। लेफ्ट किडनी में आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, स्प्लीन होता है, जेजुनम होता है, स्टमक होता है, पैंक्रियाज होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर होता है जिसको हम स्प्लीनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, जो कि कोलन जहाँ पे टर्न करता है उसको फ्लेक्सर कहते हैं। तो ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं अंटेरियरली, सुप्रा रीनल ग्लैंड, स्प्लीन, जेजुनम, स्टमक, पैंक्रियाज एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ये लेफ्ट किडनी के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। राइट किडनी में आगे की तरफ क्या क्या होता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड जैसे यहाँ है वैसे वहाँ भी होगी, इसके अलावा लीवर होता है, ड्यूओडेनम होता है एंड राइट कोलिक फ्लेक्सर जिसको हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं, जो कि लीवर के पास होता है तो हेपेटिक कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। तो ये लेफ्ट एंड राइट किडनी के आगे की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये उनके बारे में होगा। अब बात करते हैं पीछे किडनी के पीछे क्या प्रेजेंट होता है। तो किडनी के पीछे की तरफ डायफ्राम होता है, यानी कि लेफ्ट किडनी 11th एंड 12th रिब होती है, सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हैं। इसके अलावा कुछ नर्व्स होती हैं, सब कॉस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्विनल नर्व, ये नर्व प्रेजेंट होती हैं, ये किडनी के पीछे प्रेजेंट होती हैं। और ये दोनों किडनी यानी दोनों राइट लेफ्ट किडनी हो या राइट किडनी, दोनों में यही स्ट्रक्चर पीछे प्रेजेंट होते हैं,
यानी कि सीसी लैम ने कहा सेम एज ए बेब, सारे स्ट्रक्चर यही, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी के भी और लेफ्ट किडनी के दोनों पीछे यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो आर्टेरियल और वेनस ड्रेनेज ऑफ द किडनी। तो किडनी ये है एब्डोमिनल ऑर्टा और ये है इन्फीरियर वेना केवा। एब्डोमिनल ऑर्टा से दो आर्टरीज निकलती हैं, रीनल आर्टरीज कहते हैं, राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज किडनी को सप्लाई करती हैं और ये आर्टरीज किडनी के हाइलम से किडनी में इंटर करती हैं। अब ये रीनल आर्टरीज किडनी में जाने के बाद दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं, अंटेरियर एंड पोस्टीरियर। अंटेरियर जो रीनल आर्टरी होती है वो किडनी का 75% पार्ट को सप्लाई करती है और पोस्टीरियर 25% पार्ट को सप्लाई करती है। ये दोनों आर्टरीज किडनी का एक कुछ पार्ट, लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो डिवॉइड ऑफ वैस्कुलर सप्लाई होता है, वो सर्जिकल जिसको लाइन ऑफ ब्रॉडल कहते हैं, ये जो है एरिया जो है वो सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि वहाँ पर वैस्कुलर एरिया होता है तो वहाँ पर सर्जरी, वहाँ पर यानी कि उस जगह से हम किडनी के अंदर इंटर कर सकते हैं, किडनी को हम की सर्जरी, किडनी की सर्जरी कर सकते हैं। तो ये कहलाता है लाइन ऑफ ब्रॉडल, जो कि पोस्ट लेटरल एंड पोस्टीरियर लाइन बॉर्डर ऑफ द किडनी पर प्रेजेंट होता है जो एवैस्कुलर होता है। उसके बाद फिर ये आर्टरीज अंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड होती हैं सेगमेंटल आर्टरीज में, सेगमेंटल आर्टरीज डिवाइड होती हैं इंटरलोबर आर्टरीज में, इंटरलोबर आर्टरीज फिर आगे फर्दर डिवाइड होती हैं आर्कुएड आर्टरीज में, फिर आर्कुएड आर्टरीज का जो फाइनल डिवीजन है वो होता है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल इंटर करती हैं कहाँ पे, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कप शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इंटर करती हैं। वहाँ पर ये बनाती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो फिर निकलती है जो वो होती है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल जब नेफ्रॉन पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल के बीच में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस होता है। उसके बाद एफरेंट आर्टेरियोल जो है आगे दो तरह के स्ट्रक्चर बनाती हैं, आउटर टू थर्ड ऑफ आउटर कॉर्टेक्स में ये नेफ्रॉन के चारों तरफ ये नेटवर्क बनाती हैं आर्टरीज का, जिसको पेरी ट्यूबुलर प्लेक्सस कहा जाता है ये। और कुछ एफरेंट आर्टेरियोल जो कि इनर वन थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला में ये स्ट्रेट आर्टरी बनाती हैं, जिनको हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स यानी एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके बनाती हैं। फिर ये आगे जो है, फिर ये वासा रेक्टा और पेरिटोबुलर प्लेक्सस जो हैं आगे फिर रीनल विन्यूल, रीनल विन्यूल से आगे जो है ये फाइनली रीनल वेन में खुल जाती हैं और रीनल वेन किडनी के हाइलम से बाहर निकलते हुए इन्फीरियर वेना केवा में खुल जाती है। ये है इनकी आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द किडनी एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ द किडनी। लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर हम किडनी का देखें तो पैरा ऑर्टिक लिम्फ नोड, पैरा ऑर्टिक यानी लिम्फ नोड, वो लिम्फ नोड जो ऑर्टा के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं पैरा ऑर्टिक लिम्फ नोड, उन लिम्फ नोड के थ्रू किडनी का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो ये हो गई किडनी की आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। तो इस तरह से ये किडनी की एनाटॉमी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।